पंजाब सरकार नूं साडी सेहत की चिंता है। बार बार दिशा निर्देश दिते जांदे हन सेहत की सांभ संभाल बारे। इस वेले असीं खास गलबात करन जा रहे हाँ अमृतसर के ADC हिमांशु जी दे नाल, डॉक्टर हिमांशु जी दे नाल, जिहड़े कि पंजाब सरकार वालों इत्थे कोविड कमेटी के हैड भी हैं अते होर भी बहुत सारी कमेटियां रीप्रजेंट कर रहे हैं पंजाब सरकार वालों। सर, सब तो पहला कोविड का नंबर वध रहा है, इस बारे की कहना चाहोगे, लोगों को की सुनेहा दोगे? बिल्कुल जी, तुहाडी गल ठीक है। कोविड का नंबर अमृतसर जिले के हौली हौली जिवें आप देख रहे हैं वध रहा है। पिछले हफ्ते असी हिसाब लाया सीगा कि ऑन एन एवरेज 50 केसिस सानू पर डे आ रहे सीगे, एंड एक हफ्ते दे विच जिहड़ा एवरेज नंबर है 65 केसिस बन गया हैगा पंजाब तो 15 नंबर की वृद्धि है। बट ये गल भी सच है कि जिन्ना को केसिस वध रहे हैं बाकी जिलों के स्टेट के उन्ना अजे वृद्धि अमृतसर के नहीं वेखन मिली है। सो दोवें साइडां की गल है कि कितने किसी हद तक बचाव भी है जे आप बाकी शहरों नाल इहदी तुलना करिए, बट जिहड़ा नंबर वधना इटसैल्फ जिहड़ा हैगा वो एक चिंता का विषय हैगा कि डिस्पाइट प्रशासन वालों जिहड़े निर्देश दिते जांदे आ, डिस्पाइट जिन्नी भी सख्ती की जाती है, एंड असीं देखते भी हैं कि बाज़ारों के भी काफ़ी जिहड़ी लोग ने इहदी पालना भी कर रहे हैं, बट किसी हद तक कितना कितने लोगों वालों चूक भी हो रही है कि जिथे आप ग्रुप्स के फिर रहे हैं या शाम के टाइम बाहर निकल रहे हैं या आप मास्क वगैरह की मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, जिहड़ी बेसिक गल्लां सारियां अज तक इन्ने दिन हो गए, इन्ने महीने हो गए आप गल कर रहे हैं, ये बेसिक गल्लां का जे आप ध्यान रखांगे जरूर ये आप रोक लगा सकते हैं। काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं, पर ये होर जिहड़ा हैगा आपां नूं पालना करन दी लोड़ है। सर, कुछ परसेंट इसका मतलब भी हाली भी जिम्मेवारी तो दौड़ रहे नहीं, जिम्मेवारी बखूबी नहीं निभा रहे? बिल्कुल, मैं इस बारे कहूँगा स्पेशली आप इस वक्त मेडिकल कॉलेज च भी खड़े हैं, एंड जिहड़े साढ़े इत्थे बहुत सिक पेशेंट्स भी जिहड़े आंदे ने उहदा असीं सारे डॉक्टर्स की टीम नाल एनालिसिस करते हैं। कई बारी देखण दे विच आंदा है कि साढ़े कोल पेशेंट आ रहा जदों 7-8 दिन उहनूं सिमटम्स आए नूं हो गए। हुण गल ये है कि जदों बंदे नूं पहले दिन पहली निछ आती है या पहली खंघ आती है या माड़ा जिहा भी उहनूं ताप फीवर फील हुंदा हैगा, उन्हों उसी वेले स्पेशली बुजुर्गों के छोटे बच्चों जो प्रेगनेंट लेडीज़ के उसी वेले अपना टेस्ट करवा के अपने जो पॉजिटिव आ रहा है तो ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए। एंड साडे कोल इदां दे मरीज आते हैं जिहड़े 7-7 दिनों तो 8-8 दिनों तो उन्होंने खंघ जुकाम की हिस्ट्री रही है, एंड 7-8 दिन ना टेस्ट करवाया होंदा है तो घर च होंदे ने, तो जदों बिल्कुल ही सिचुएशन अपनी खराब हो जाती है उदों आप हस्पताल दे विच आंदे हैं। इहदे विच ये देखने की गल है कि उन्होंने 7 दिनों के उन्होंने अगे किन्ने लोगों नू वो कोविड दिता हो सकता है जे वो प्रॉपरली आइसोलेट नहीं होया होना। सो जिथे तक आप दो तरह की गल्लां करें कि जिथे तक तो पहली ये गल है कि आप बचाव करना है कि कोविड ना होए, उहदे लई मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, बट जे बाय चांस डिस्पाइट ऑल द बेस्ट एफर्ट्स किसी नू कोविड हो जाता हैगा उस तो बाद आप किस तरह का वतीरा रखना हैगा, किस तरह आप रिपोर्ट करना हैगा, किस तरह आप दूजियां तो होण तो बचाना हैगा, वो चीज़ा भी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। एंड ये सैकेंड पार्ट जिहड़ा मैं कह रहा ये भी मैं देख रहा कि काफ़ी जिहड़ा है अनगैली कई बार वरती जाती है अनइंटेंशनली जिदे नाल जिहड़ा केस का नंबर है वह भी बढ़ता है। सर, इस संबंध में तुहाडे दफ्तर वालों एक नवे दिशा निर्देश भी दिए गए हैं प्राइवेट लैब्स नूं, पर उहदे बारे मैं चाहांगा विस्तारपूर्वक थोड़ा जिहा दर्शकों को दस दिओ भी वह की है, भी कोई टैसट कराउण आवे उह किवें अपडेट होना? जी, मैं अगेन उही जिहड़ी गल कर रहे सी, असी एनालिसिस कर रहे सी, सानूं डॉक्टर्स वल्लों ही सानूं सुझाव आया सी जिहड़े कोविड दा ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि उहनां दे ध्यान च इह गल आई है कि कई बारी इदां दे मरीज़ सामने आए ने जिन्हां नूं जदों कोई सिमटम आया कोविड का टेस्ट कराने की बजाय उन्होंने अपना सिटी स्कैन MRI या एक्सरे करवा लिया, एंड जदों सिटी स्कैन या आप MRI एक्सरे करवाते हैं लंग्स के कुछ चेंजेस इदा के आते हैं जिहड़ा डॉक्टर देख के बता सकता है कि यह निमोनिया या कोविड के चेंजेस है। जदों आप सारी केसिस कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जी है या इनफ्लुएंसा लाइक इलनेस सिमटम्स जदों इस तरह के आ रहे हैं या साइंस एक्सरे वगैरह जदों इस तरह के आ रहे हैं इमीजिएटली आपू कोविड का टैसट करवा हूँ, बट किसी तरह लोगों के दिल के पै हों कोविड का अपना टैसट नहीं करवाते, अगेन 7-8 दिन जरा वेट करते हैं कि पता आप ही ठीक हो जाइए, घर च रेंगे ने अपने घरद्या भी संपर्क से आते हैं,
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 7-8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ MRI ਐਕਸਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਾਂ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮੀਜੀਏਟ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 7-8 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਫਟ ਕਰਤੇ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੇਤੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਮਟਮ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਆਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਟਮਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੋਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-6 ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਏਰੀਏ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਕੇਸਿਸ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਲਾਊਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ 100% ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵਿਦਇਨ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ 3-4 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵੈਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹਾਂ, 6 ਇਲਾਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ
भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होंगी हैगी। उहदे विच मेरी रिक्वेस्ट तुहानू इही है कि जदों उत्थे साडे जिहड़े महकमे दे लोक सेहत महकमे दे पुलिस दे सिविल दे बंदे उत्थे जांदे हैगे, जिस तरह उह कहिंदे ने, जे उह कहिंदे ने अपने घरां च रहो, जे उह कहिंदे अपना सैंपल दिओ, तुसीं पूरा उहनां नाल कोऑपरेट करना है, तुहाडी भलाई लई जिहड़ा एक्टिविटी कीती जांदी है। सर, शनिवार की गल करिए वीकेंड की, तो अज प्रेस नोट से तुहाडे वल कहा गया भी इट्स करफ्यू, तो रात का तो डेली है, इस बारे लोगों को की सुनेहा दिओ जी? नाल मैं चाहवांगा भी सोशल मीडिया का जिहड़ा लोग इस औखी घड़ी दे भी मिसयूज़ कर रहे हैं, मिस मैसेज कर रहे हैं, उन्होंने की कहो? शनि एतवार का भी जी पूरा का पूरा जिहड़ा लॉकडाउन आप कह रहे हैं कंप्लीट लॉकडाउन है, उहदे विच भी एसेंशियल एक्टिविटी तो अलावा होर किसी तरह की एक्टिविटी अलाउड नहीं होंगी। जिहड़ा रात का करफ्यू हैगा वह रात को 7 बजे शुरू हो के सवेरे 5 बजे तक होंदा हैगा। करफ्यू का मतलब यही होंदा है कि आपां घरां तों बाहर नहीं निकलना अनटिल अटमोस्ट नसैसरी। वो अटमोस्ट नसैसरी जिहड़ी एसेंशियल आइटम्स, कल भी असीं एक जिहड़ी वीडियो पाई सी उहदे विच दस्सिया सी कि इस तों अलावा हैगियां लिस्ट हैगी, बट ये तुहाडी अटमोस्ट नसैसरी है कि कितें दवाई लैन जाना पै गया, कोई सेहत तों रिलेटिड तुहानूं कोई इशू आ गया, कोई तुहाडे किराने दी किराने का भी आई रिक्वेस्ट कि बई इस दिन च तुहाडे कोल टाइम हुंदा हैगा, 5 बजे तो बाद दुकानां खुल्लियां होंदियां, 6:30 तो बाद दुकानां भी नहीं खुल्लियां होंदियां, तो तुसीं बाहर ना निकलो, अपने घर दे विच रहो, अपनी फैमिली नाल टाइम स्पेंड करो। ये बड़ा औखा वेला हैगा, इनू आपां कढ़ना हैगा, आपां चंगा करदे पए ने अमृतसर जिले वाले, इनू आपां चंगा ही रखिए, आपां किते ये ना होवे कि बहुत ज़्यादा केसेज आ जाने, आपां नू पूरा दा पूरा कर्फ्यू लाना पए। सोशल मीडिया बारे सोशल मीडिया जी एक देखो बहुत वधिया माध्यम हुंदा है, जदों आपां कोई चंगी खबर चंगी गल लोकां नूं दसीए, जिहड़ी गल आपां इक बुला के, क्योंकि हुण इकट्ठे भी नहीं हो सकदे, 5 तों ज़्यादा आपां बंदे भी नहीं हो सकदे हैगे, पर जे आपां बुला के जिहड़ी गल कहनी हुंदी है सोशल मीडिया राहीं चंगी गल बहुत चंगे माध्यम नाल फैल सकदी है, बट इसी जे मीडियम नूं तुसीं गलत तरीके नाल यूज़ करोगे, कोई अफवाह फैलाओगे, पहली गल तां मैं ये भी दसना चाहुंदा है कि ये सरकार दे ऑर्डर हैगे कि सोशल मीडिया ते जे कोई गलत अफवाह फैलांदा है फड़िया जांदा है, उहदे खिलाफ़ असीं एक्शन भी लै सकदे हैं, बट चलो असीं ये नहीं करना चाहते कोई, बट तुहानूं असीं रिक्वेस्ट ये जरूर कर रहे हैगे कि कोई भी गलत अफवाह, कोई भी कोई फॉरवर्डिड तुहानूं मैसेज आ जाए व्हाट्सएप दे उत्ते, कोई तुहानूं कोई फॉरवर्डिड वीडियो आ जाए, वो आप बिना सोचे समझे ना फैलाइए, उहदे विच तुसीं भागीदार बंदे हो जिहड़ा वो बंदा गलत काम कर रहा है, जो जिहड़ी सही खबर हैगी जिहड़ी पॉजिटिव खबर हैगी जिहड़ी तुहानूं अवेयर कर रही है प्रॉपरली उसनूं जरूर तुसीं शेयर करो, बट कोई गलत खबर गलत अफवाह दे उत्ते आपां इसनूं ना फैलाइए ताकि लोगों को नुकसान होवे, क्योंकि जे लोगों को कोविड के नुकसान होंदा हैगा किसी राह चलदे नूं नुकसान होंदा, अल्टीमेटली तुहानूं ओह नुकसान करूगा ही करूगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिवें ADC अमृतसर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जी ने दसिया, प्रशासन चिंतित है, सरकार चिंतित है, सेहत विभाग चिंतित है तुहाडी सेहत बारे, तुहाडी सेहत की सांभ संभाल बारे, पर जिवें नाल ही उन्होंने आख्या भी कुछ परसन लोग हाली भी गैर जिम्मेवारी निभा रहे हैं जिसका हरजाना सारे शहर नूं भरना पै रहा है। तो दोस्तों बहुत लोड़ है अपनी जिम्मेवारी नूं समझिए, जिम्मेवारी नूं बखूबी निभाइए, जेकर कोई बंदा जागरूक नहीं है मास्क बारे सोशल डिस्टेंस बारे तो कोई हर्ज नहीं, जे आपां उन्हूं समझा दिए उन्हूं जागरूक कर दिए। महामारी दी जंग सारे ने असां रल मिल लड़नी है और रल मिल ही इस जंग नूं जितना है। फास्ट न्यूज़ लई कैमरामैन राकेश ते नाल नीटा सिंह।